हमने बहुत सारी चीजें ना मिस कर दी है, जिसकी वजह से घर में दिक्कत आ रही है। तो वो सारी चीजें ना आज सपना दीदी आई है, वो पूरी करवा रही है। तो ये नीम के पत्ते बाहर बंधने और एक रसम होती है फीडिंग कराने से पहले बुआ करती है, वो रसम करनी है पूरी। भाभी ये किसके है पैसे, मुझे दे दो। ये सपना दीदी के हैं शगुन। अच्छा, जो रसम कर रही है उसका शगुन है। बताना मत मारेंगे। उसकी आंखें ना बिल्कुल पीली हो रही है और हाथ पर नीले हो गए थे। हाथ पर नीले हो गए थे उसके। तो राई बांध दे उसको। रात को क्या हुआ, उसके बाबू के हमने नून राई बांध रखा था। अच्छा, वो गिर गया उसका कहीं। अच्छा, उसका गिर गया तो मेरे हाथ में बंधा हुआ था, मैंने उसका बांध दिया रात को। मैंने कहा रात को कहाँ से लाऊंगी काला कपड़ा, मैंने बांध दिया उसको। परसों मैं ऐसे दबी कि कोई आया है सामने खड़ा, घर का पूरा दिख रहा है, मेरे रूम में खड़ा है बंदा सफेद कपड़ों में। अच्छा, और एक पीछे खड़ा है और दोनों बच्चे छीन रहे हैं। ये पितरों का भी तो होता है ना, पितरों का सारी चीज है ना, वार कर रखे हैं। पितर साइन कर रहे हैं कि तुमने करा नहीं है मेरा। हर बात में नहीं, में तो याद रखना चाहिए। ये देखो कि बड़े क्यों होते हैं, बड़े ये बताने के लिए होते हैं बेटा ये कर ले। हाँ। क्यों बड़ा, अपने घर में कोई है तो नहीं, तो आवाज रख लेंगे सारी चीजें। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे समस्या से जूझ रहे हैं अरमान मलिक। उनके घर पर नए मेहमान आने के साथ साथ और भी कुछ बीमारियां उनके घर में जन्म ले चुकी हैं। तो दोस्तों तभी कहा जाता है कि बड़े बूढ़ों की बात हमें मान लेनी चाहिए, जैसा वो कहे। तो इनको कोई ना कोई ज़रूर बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे नीम के पत्ते इन्होंने अपने घर के बाहर नहीं टांगे थे, तो इससे ये समस्या आ रही है। और जो काला डोरा है वो जो है जायद मलिक का, जो खुल चुका था, जिसकी वजह से उन्हें फीवर हो चुका है। अब फिलहाल वह अस्पताल में एडमिट किया जा चुका है और कृतिका मलिक भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। उनको उनकी भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं बताई जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और भगवान से अल्लाह से यही दुआ है कि जो अरमान मलिक है, कृतिका मलिक का जो बेटा है, उनको जल्द ही स्वस्थ किया जाए। हमारे भगवान से यही प्रार्थना है दोस्तों।